हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। नेनुआ से बन रहा है एकदम में नए तरीके की ये सब्जी, जिसे देखने के बाद ही आप आज बनाओगे, इतना ज़्यादा टेस्टी। क्या आपके घर पे भी होते हैं नेनुआ खाने से नखरा, या फिर आप खुद को ही पसंद नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो सब उंगली चाटते ही खाना खाएंगे और पूछेंगे ये था कौन सा सब्जी जो बहुत टेस्टी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो नेनुआ ले लिया है और आगे पीछे दोनों ही साइड मैंने हटा दिया है, काट लिया है। तो इसके ऊपर से जो ये छिलका सा है, इस छिलका को छीलना नहीं है, तो इसे रगड़ते हुए ऊपर से जो एक पतला सा स्किन है, लेयर है, उसे हटा लेना है। और एकदम आप चाहे तो ताज़ा एकदम नेनुआ हो, आप चाहे तो उसका बिना छिलका भी हटा के अच्छे से क्लीन करके आप बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें ग्रेट कर लेना है, जैसे ही आपने पहले थंबनेल में देखा था। तो ग्रेट करने के लिए अगर छील लिया जाता ना नेनुआ तो ग्रेट कर ही नहीं पाते और वो एकदम नरम सा हो जाता, टूट फूट जाता। तो अगर आप चाहे तो इस तरीके से प्रॉब्लम समझ में आए तो बिना छिलका छीले आप धुल के बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। और अगर ग्रेट करने में फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम लगे तो आप बहुत ही बारीक बारीक काट के भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से ग्रेट करने से बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो नेनुआ ही ग्रेट कर लिया है और ये नेनुआ खुद तो बहुत पानी छोड़ते हैं, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप बेसन। तो बेसन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रख दे रही हूँ, अगर ज़रूरत हो तो ऐड करेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है। तो 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे डालूँगी 1 टीस्पून मैं नमक। तो यहाँ पे और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला यूज़ इसमें नहीं करूँगी। और देखते रहिए कि कैसे कैसे क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने हरा मिर्चा ले लिया है, थोड़ा सा चॉप करके लिया है, तीखा बिल्कुल ही स्वाद अनुसार। तो इसे मिक्सड कर लेंगे। तो इसे मैं हाथ से ही मिक्सड कर ले रही हूँ, आप चाहे तो स्पून से भी मिक्सड कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स्ड कर लेते हैं। मुझे पता है आप इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि इतना तक देखने के बाद तो आप समझ चुके हो पकौड़ी या फिर पकौड़ा बन रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ है ट्विस्ट और ये पकौड़ी बनने के बाद बनेंगे क्या, वो देखते रहिए। तो यहाँ पे जितना भी बेसन था वो भी ऐड कर ले रही हूँ। तो इसमें अगर जैसे नेनुआ में ज़्यादा पानी छोड़े तो इसे 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि नेनुआ में बहुत सारा पानी है तो ये एकदम टाइट नहीं होंगे, और एकदम टाइट करने जाएंगे वो बेसन का ज़्यादा फ्लेवर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो चुके हैं, मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ तेल को। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म होने के बाद अब डाल दे रही हूँ एक एक करके। तो इसका गोल शेप तो बनने नहीं वाले है क्योंकि ये बहुत ही नरम है, और जैसे ही मैंने कहा कि अगर बहुत सारा बेसन डाल के इसे टाइट करने जाती और गोल शेप देने जाती तो वो बेसन का बहुत ज़्यादा टेस्ट आने लगता। तो जो पहले डाला था उसे एक बार अलग पलट के लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम में रखते हुए ही इसे फ्राई कर लूँगी, और जब थोड़ा सा लाल लाल होने लगे, ब्राउन कलर आने लगे, तो उसे स्लो फ्लेम में कर देना है। तो जैसे ही सेम टू सेम हम लोग पकौड़ी तलते हैं उसी तरीके से तल लेना है। और आप चाहे तो इवनिंग के टाइम में इस तरीके से भी खा सकते हो। तो जैसे कि हर पकौड़ी का फ्लेवर अलग होते हैं तो इस पकौड़ी का टेस्ट भी बिल्कुल ही अलग है, और खाते ही आपको मज़ा आ जाएंगे। तो इस तरीके से हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। तो मैं एक छन्नी से उठा ले रही हूँ और निकाल ले रही हूँ तेल से। मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, आप चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो इवनिंग टाइम में चाय के साथ। तो यहाँ पे जितना भी तेल है उसी में मैं फिर से एक बार दे रही हूँ, क्योंकि आधा किलो नेनुआ था तो एक बार में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर से इसी तरीके से मैं अलट पलट के हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो जो पहले फ्राई हो रहे हैं तो उसे निकाल लेना है, और जो थोड़ा सा बाकी है तो यहाँ पे हो चुके हैं। मैं अभी मसाला आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्राम दही लिया है, और ये बहुत ज़्यादा खट्टे वाले दही नहीं है। 3 हरा मिर्चा और 2 मीडियम साइज प्याज ले लिया है, और 1.5 इंच यहाँ पे अदरक ले लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ, और इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम लिक्विड सा एक पेस्ट बन चुके हैं, प्यूरी बन चुके हैं। अब शुरू करते हैं रेसिपी को। एक कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाला है और 4 से 5 लहसुन का कलियां कूट के डाल रही हूँ,
और यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दिया है हाफ टी स्पून। सौंफ को डालने के साथ ही साथ यहाँ पे मसाला डाल देना है। सौंफ को ज़्यादा ब्राउन और कलर नहीं लाना है, नहीं तो उसमें से कड़वा सा टेस्ट आने लगेंगे। और इस रेसिपी में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर भी डाल दे रही हूँ और मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून नमक भी डाल दे रही हूँ, नमक बिल्कुल ही स्वाद अनुसार। बहुत ही टाइम ऐसे होते कि घर पे ज़्यादा कोई सब्जी नहीं रहते हैं, बस गिने चुने कुछ रहते हैं, आपके पास नेनुआ है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। कोई गेस्ट आए तो उसे भी आप सर्व कर सकते हो, तो वो पूछते रह जाएंगे कि इस कौन से चीज़ से बनाए हो, कैसे बनाए हो रेसिपी, एक बार हमें भी बता दो, बहुत अच्छा बना है। तो ये तारीफ़ आप ज़रूर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे मसाला आप देख रहे हो कितना अच्छे से तेल छोड़ने लगा है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट और हमें भून लेना है। लव किचन चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे एकदम ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी, जिसे देखने के लिए आपको कर लेना पड़ेगा छोटा सा काम। जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ग्राइंडर में जितना भी जार में मसाला लगा था उसमें पानी डाल के मैं डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भर पानी यहाँ पे डाल दिया है। तो ग्रेवी तो अपने अनुसार डालना है, तो यहाँ पे इसे बॉयल होने देते हैं, उबाल आने देते हैं, फुल फ्लेम में यहाँ पे रखना है। ग्रेवी यहाँ पे हल्का सा गाढ़ा हो चुके हैं। अभी मैं छोटे चम्मच के 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। जो भी फेवरेट आपका मसाला है गरम मसाला, वो आप इस वक्त यूज़ कर लीजिए। तो अभी ग्रेवी हमें जितना रखना है उतना हो चुके हैं। तो इस वक्त मैं लास्ट में एकदम डाल दे रही हूँ ये नेनुआ की पकौड़ी, तो लास्ट में ही डालना है। और थोड़ा सा चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया मैं ऐड कर दे रही हूँ लास्ट में। जब भी नेनुआ की पकौड़ी डालना है तो छोटी सी इस बात का ख्याल रखना है कि ग्रेवी हमें जितना रखना है, जितना हमें ग्रेवी पसंद है उससे थोड़ा हल्का ज़्यादा रखें, और उस ग्रेवी में नेनुआ की पकौड़ी डालने के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट कुक करना है, और इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो ये नेनुआ की पकौड़ी ओवर कुक होने से टूट फूट जाएंगे। और ज़्यादा यहाँ पे ग्रेवी गाढ़ा हमें नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे पतला ही रखेंगे ना, तो ये बाद में जब ये ग्रेवी ठंडा होने लगेंगे तो ये पकौड़ी बहुत सारा ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बिल्कुल ही अगर सूखा हो जाएगा तो उससे खाना खाने में, रोटी चावल खाने में बहुत प्रॉब्लम होंगे। तो इस हिसाब से जैसे आपको पसंद है, मैंने तो कह दिया है आपको, तो मैं इसी तरीके से रख रही हूँ थोड़ा सा ग्रेवी। तो ये ठंडा होने के बाद हल्का सा और गाढ़ा हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो इस वक्त मैंने लास्ट में थोड़ी देर के लिए गैस को स्लो कर दिया था, जिससे कि इसका जो कलर है वो निखर आते हैं और तेल ऊपर से हल्का सा एक लेयर बनते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो आप अभी देख रहे हो। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं सर्विंग बाउल में सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी का नाम मैं नेनुआ के कोफ्ता करी रेसिपी देना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। नेनुआ खाने से शरीर में पानी का जो कमी होते हैं वो पूरा हो जाते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये नए तरीके की नेनुआ की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप जब लाइक करते हो ना तो मैं बहुत खुश होकर दूसरा वीडियो बनाती हूँ। तो बिल्कुल ही लाइक करना भूलना मत, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। कॉमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना कि कैसा लगा ये नेनुआ की सब्ज़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय।